We'll break your chains, we have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि आपने टाइटल में रीड कर ही लिया है, मैं आपके साथ ग्लोई साइनी ड्यूई मेकअप जो विंटर्स में कैसे कर सकते हैं. पार्टी मेकअप लुक कर सकते हो, मैरिज पार्टी ये वो ब्ला ब्ला आजकल कितना चल रहा है. तो यहाँ मैंने फेयर लवली विंटर जो मॉइस्चराइज़र है मैंने यूज़ किया है. उसके बाद मैंने यूज़ किया है प्राइमर, जो कि कई सारी जो लेयर्स होती हैं हमारे फेस पे उनसे प्रोटेक्ट करता है और हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग चलाता है. तो मैं अपने हैंड से मॉइस्चराइज़र और ये सब अच्छे से मसाज कर लूँगी, देन मैं लिप पे लिप बाम यूज़ करूँगी. अब मैं यहाँ यूज़ स्टार्ट करूँगी आई मेकअप से, जो कि बहुत सिंपल होने वाला है और अमेजिंग. जैसे कि आपने देख लिया है, इतना सिंपल है कि यार मतलब 2 मिनट में ही हो गया. तो यहाँ मैं आई का बेस क्लियर करूँगी और यहाँ मैंने ओलिविया स्टिक लिया है और उसको मैंने आई पे लगा लिया है प्राइमर की जगह पे और फिर मैंने उसको ब्लाइंड कर लिया है. अब मैं यहाँ एनवाइवे का ट्रांजेक्शन कर लूँगी, जो कि इस पे लीड पे लगाऊँगी ताकि जो भी मैं कलर ऑप्ट करूँगा बहुत अच्छे से ब्लाइंड हो जाए और उभर के आए. सो मैं यहाँ दोनों आईज़ पे अच्छे से कर लूँगी एज यू कैन सी. एंड ब्लाइंडिंग बहुत स्मूथली होनी चाहिए, बहुत क्लीन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और जितनी ब्लाइंडिंग करेंगे उतना बहुत अच्छा है. आप देख सकते हैं ये बर्गंडी कलर है, ये बहुत अच्छा है. एंड यही मैं पूरी आईज़ पे, बहुत सिंपल है यार, 2 मिनट नहीं लगेंगे, 1 मिनट ही लगेगा आपको. तो यहाँ मैंने आउटर कॉर्नर से मैंने वी शेप में बनाते हुए मैं पूरी लीड पे इसको लीड वैन क्रीज पे दोनों पे लूँगी. एंड यस, सो आई हैव कंप्लीटेड माय वन आईज मेकअप आल्सो, नॉट होल मेकअप बट यस जो मैंने. और यहाँ मैं लीड पे ये जो डस्टी कलर है ना, मैं इस कलर को लूँगी एंड वी शेप बनाऊंगी सेकेंड आईज पे भी, जैसे कि आप देख सकते हो. एंड हमें आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, मैं 2 हैंड से मेकअप करती हूँ देन तो मेरा ऐसे होता है एज यू कैन सी. अब मैं यहाँ ग्रीन कलर का लाइनर लगाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से ग्रीन आईज़ करना चाह रही थी और फाइनली मैंने कर लिया है. क्योंकि नाइट पार्टी या फिर ये चीज़ है ना, विंटर्स का मेकअप है, ग्लोसी ड्यूई साइनी ग्लोइंग कैसे मेकअप कर सकते हैं. सो हम लाइनर यूज़ करेंगे और थिक लाइनर, कैट लाइनर यूज़ करेंगे. अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी जो मेरा फेवरेट है ग्रीन लाइनर, और मैं यहाँ थिक तो नहीं लगाऊंगी, कैट आप कह सकते हैं, कैट लाइनर कह सकते हैं आप. एंड बहुत विंग्स में मतलब तो थोड़ा सा लॉन्ग लगाया है मुझे लगाना था. मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि मैं ग्रीन लाइनर यूज़ करूं, सो फाइनली आई हैव डन विद माय ग्रीन लाइनर एंड इट इज़ अमेजिंग. मैं लॉल लेसेस पे भी लगाऊंगी एंड सॉरी वाटर लाइन पे भी लगाऊंगी एंड लॉल लेसेस ओके. एंड जितना भी फॉल आउट है मैं उसको आउट कर लूँगी ब्रश के हाथ से, जो कि आई पैलेट से था. एंड मैं फेक लेसेस लगाऊंगी जैसे कि आपको पता है. और यहाँ मस्कारा मैंने नहीं यूज़ किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी नीड थी, क्योंकि
ठीक है इतना हो गया, बस लॉर्ड लेसेस पे मुझे लगाना था लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया। एंड आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल फाइन ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। एंड मैं लॉर्ड लेसेस पे भी मैंने एक तो लाइनर लगाया था एंड देन फिर मैंने ग्रीन पैलेट से, आई पैलेट से मैंने ऑप्ट करके फिर मैंने थोड़ा थोड़ा और लगा लिया। एंड आप दे सकते हैं, मैंने ये सारा मेकअप ओलिविया स्टिक से ही यूज़ किया, ये अच्छा खासा कवरेज दे देती है। एंड और मैं पूरे चिक पे इसको, सब पे, चिक पे, फॉरहेड पे, जॉस पे, लिप पे, लिप पे सॉरी, तो मैं इसको चिन पे, चिन एरिया में लगाऊंगी। एंड यहाँ मैंने लिया है ये सीरम, एंड बाय वे की सीरम है, सॉरी गुड वाइब्स की सीरम है ये। और इससे हमारा है ना जो ग्लो है ना, जो हमारा मेकअप है ना, बहुत ग्लोई दिखेगा, शाइनी दिखेगा। और विंटर में ये ज़रूर लगाना ना भूलिए, क्योंकि इससे जो आपकी जो मेकअप है ना, ये ड्राई नहीं होगा, पैची नहीं होगा, कैकी नहीं होगा, इससे बहुत स्मूथ होगा, शाइनी होगा, ग्लोइंग होगी आपकी स्किन। एंड मैंने ये अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी, यहाँ फिल करूँगी अपनी थैट्स, ब्रोज मील्स। एंड ब्रोज जितनी ब्रॉड होती है ना, उतनी अमेजिंग लगती है। एंड यह मैंने एक ये 10 रुपये की पेंसिल अच्छी है यार, और बहुत अच्छा कवरेज देती है, मतलब कवरेज क्या, पिगमेंटेड बहुत है यार, 8 आवर्स तक खूब अच्छे से चल जाता है, बहुत अच्छे से चलता है। एंड मैं सेकेंड आईज ब्रोज भी फिल करूँगी, एंड एज यू कैन सी, एंड बहुत अच्छे से शेप देना होता है, तो वाओ इट्स अमेजिंग, खुद की तारीफ खुद से। सो यस, तो यहाँ मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने पूरे मेकअप को सेट करूँगी, और ताकि इक्वलिटी आ पाए। एंड मैंने एक पे, फॉरहेड पे, फेस पे, चिक पे, सब पे एकदम कॉम्पैक्ट पाउडर से इक्वल कर लूँगी। अब यहाँ मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। सो कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ, मैंने यहाँ NYV का लिया है कॉन्टोर। एंड मैं यहाँ पे जॉस पे, और जॉस पे लूँगी, चिन एरिया पे लूँगी, फॉरहेड पे लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना फेस शार्प दिखाना है। और शार्प हम कॉन्टोरिंग तो बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि इससे ना मतलब एक शार्प कट क्रीज मतलब एक बन के आता है फेस पे, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड यस, नोज़ पे भी अच्छे से ब्लेंड करना है। अब मैं यहाँ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है, और उसमें कई सारे शेड होते हैं, बट मैंने उसमें से एक ऑप्ट किया है जो कि हल्का डस्टी नहीं है बट हाँ गोल्डन टाइप का है, सो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। और नोज़ पे, ब्रोज़ पे एंड नोज़ पे मैं फिंगर से ही करूँगी, बाकी ब्रश से बहुत अच्छा लगता है, बट ठीक है फिंगर से भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो। एंड मैं यहाँ पे नोज़ पे बहुत ज़्यादा लगाऊँगी, क्योंकि मुझे नोज़ जो हाइलाइटिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं चिन पे, लिप पे, जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग करना है देन मैं वहाँ यूज़ कर लूँगी। एंड एज यू कैन सी, एंड मैं ब्लश के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगी ऑरेंज कलर, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और गाइस यार ये इतना प्यारा है सच में, मतलब ऑरेंज जो ब्लश यूज़ किया ना, बहुत अमेजिंग लग रहा है मुझे। और मैं बार बार देख रही हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और अमेजिंग लगा। बाकी अदरवाइज़ मैं पिंक कलर ही ऑप्ट करती हूँ उसके लिए, ब्लश के लिए, बट यहाँ ऑरेंज बहुत प्यारा लग रहा है। एंड एज यू कैन सी हाइलाइटर मैंने जहाँ जहाँ मुझे लेना था वहाँ लगा लिया था। अब मैं यहाँ लिपस्टिक यूज़ करूँगी, लिपस्टिक की जग है। मैं यहाँ, मेरे पास एक लिप लाइनर है और वो बहुत पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा है यार, तो मैं यहाँ, और ये मात्र मैंने ओनली 20 रुपीज़ में लिया था, मैं यहाँ पूरी लिप पर ट्राई करूँगी। एंड एज यू कैन सी आई हैव डन विद माई मेकअप। Run away, and I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key.
Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is dancing like we dancers. Imagine that we got a purpose. Now picture everything you're fighting for. Everything you're fighting for. दिस इज़ माई फाइनल लुक एज यू कैन सी. एंड कैसा लगा आपको मेरा मेकअप फाइनली, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके. एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करिए. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बी स्टाइलिश, बी नेचुरल, लव यू.